नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगेश लोहार। हमारे YouTube चैनल लव कुश मोटर ड्राइविंग स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बाबूलाल जी व्यास, जो आपको हुंडई के न्यूज कार ड्राइव करके बताएंगे, फुल ट्रैफिक में भी चलाएंगे गाड़ी को। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मिलाते हैं बाबूलाल जी व्यास से, जिनको हमने गाड़ी चलाना सिखाया था। तो साहब, आपको कैसा लग रहा है गाड़ी चला के? मैं तो मात्र 9 दिन में ये खुद चला रहा हूँ, खाली इनका गाइडेंस है। मैं अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, इनका सिखाने का तरीका इतना बढ़िया लगा मुझे। इससे पहले मेरे बेटे ने चलाना सीखा है, वो भी सेल्फ चला रहा है, सेल्फ चला के स्कूल ले जाता है। अभी हम 2-4 जगह गए, इडाना माता और अमरक जी गए, उसने इतनी बढ़िया गाड़ी चलाई और 9 दिन में मैं खुद अपने गाड़ी से ड्राइव कर रहा हूँ। इनके सिखाने का तरीका भी इतना बढ़िया लग रहा है मुझे, पता नहीं 17 दिन में तो मुझे कितना ट्रेंड करके रख देंगे ये। तो आप फुल कॉन्फिडेंस में गाड़ी चला रहे हैं? हाँ, मैं फुल कॉन्फिडेंस में भी चला रहा हूँ। तो हमारे सिखाने का तरीका था, वो अच्छा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। इनका सारे गियर बदलना, क्लच पे कंट्रोल करना, साइड देखना, गाड़ियाँ पीछे से साइड देना उनको, ये सारा सिस्टम इनका बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम आपको ड्राइव करके बताएंगे एक बार। तो दोस्तों देखिए, ये हुंडई न्यूज कार जो हमारे बाबूलाल जी साहब हैं, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस है। आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका भी देख सकते हैं इनका। पूरी कंट्रोलिंग क्लियर है। ये हुंडई का न्यूज कार है, आप इंटीरियर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है इंटीरियर दिया है इस कार में। आगे से हमको लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट इंडिकेशन देंगे, लेफ्ट इंडिकेटर दीजिए। अब यहाँ हल्का क्लच दबाइए, हल्का हल्का ब्रेक, सामने से ट्रैफिक है तो हल्का हल्का सा। अब धीरे धीरे क्लच छोड़िए, फुल कॉन्फिडेंस से गाड़ी चला रहे हैं। अब आगे से कंटिन्यू ट्रैफिक भी है, थोड़ा सिंगल रोड है यहाँ पे। अभी क्लच दबा के थर्ड गियर लिया। तो जब भी सिंगल रोड पे गाड़ी चलाएं तो लेफ्ट और राइट वाला मार्जिन आप क्लियर रखें हमेशा, कि आप गाड़ी निकाल रहे हैं तो लेफ्ट में से कितना पास में से निकाल रहे हैं। परफेक्ट है। दोस्तों, अभी हम उदयपुर में शिवाश्रम के ओवरफ्लाई पर हैं। जब भी गाड़ी ओवरफ्लाई पर चलाएं हल्के से एक स्पीड मेंटेन रखें, ताकि आपको चढ़े में बार बार गेट चेंज नहीं करना पड़े। अभी हमारी गाड़ी फोर्थ गियर में चल रही है। अब यहाँ हल्की से जलान है तो हम यहाँ रेस कम कर देंगे। आगे से हमको लेफ्ट टर्न लेना है तो यहाँ से हम लेफ्ट इंडिकेशन देंगे, लेफ्ट इंडिकेटर। अब हल्का हल्का सब ब्रेक करेंगे हम और क्लच दबा के थर्ड गियर लेंगे। अब धीरे धीरे क्लच छोड़िए वापस। तो जब भी लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो उस तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको भी हमको ध्यान रखना है। जब लेफ्ट टर्न लिया है हमने तो गाड़ी रोड के लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। अभी देख सकते हैं आप, यहाँ
रोड के बीच में व्हाइट लाइन है, एक तरफ राइट साइड और एक तरफ अपना लेफ्ट साइड, तो हमने लेफ्ट टर्न लिया, तो गाड़ी रोड के लेफ्ट साइड में ही टर्न किया है हमने। जब भी दोस्तों आपको लाइन चेंज करना है तो इंडिकेटर का इस्तेमाल भी करना है और साइड मिरर में देखने के बाद ही आपको लाइन चेंज करनी है। बिना साइड मिरर में देखे आप कभी लाइन चेंज ना करें। अब जैसे हमने राइट में ले रहे हैं गाड़ी, तो राइट इंडिकेशन दे दिया है, पीछे साइड मिरर में देखेंगे से बाइक आ रही है पीछे, एक अभी हमने क्लच दबा के फोर्थ गियर ले लिया। आगे जंप पे तो हल्का हल्का सब ब्रेक, आगे बाइक भी है, क्लच दबा के थर्ड गियर। ये पुराने सब्जी मिट्टी तो पीछे से गाड़ी स्लो हो गई, तो हम क्लच को बहुत धीरे धीरे छोड़ेंगे। गाड़ी का इंटीरियर काफी अच्छा दिया है। अभी हमने अभी क्लच दबा के फोर्थ गियर ले लिया, देखिए अभी हम रोड के राइट साइड चल रहे हैं डिवाइडर के पास में। जो दोनों व्हाइट लाइन दिख रही है, हम दोनों व्हाइट लाइन के बीच में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपकी लेफ्ट साइड अगर क्लियर नहीं होती है तो आप सेंटर पॉइंट, गाड़ी का कोई भी रेफरेंस ले लीजिए आप सेंटर पॉइंट, जहां से अगर गाड़ी का सेंटर पॉइंट क्लियर आपको रेफरेंस दिखेंगे तो वो लेफ्ट वाली लाइन और ये सेंटर पॉइंट का रेफरेंस आपको बिल्कुल एक ही लाइन में नजर आएगा आपको, तो आप लेफ्ट लाइन यहां से भी क्लियर कर सकते हैं। अब आगे आप सर्कल आ रहा है, हम सीधा जाएंगे, तो यहाँ हल्का हल्का सा ब्रेक किया, अब क्लच दबाएंगे और थर्ड गियर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आप धीरे क्लच छोड़ेंगे हम। दोस्तों जहाँ भी क्रॉसिंग लगे वहाँ गाड़ी हमेशा स्लो करना है, और आपकी गाड़ी की जो भी स्पीड है उसके हिसाब से आपको गियर चेंज करना है। अगर आप फर्स्ट गियर ले रहे हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड अप्रोक्स 10 के आसपास है, सेकंड है तो 20 में, और थर्ड गियर ले रहे हो तो स्पीड आपकी 30 के आसपास हो सकती है। कॉन्फिडेंस से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अब आगे थोड़ी सी गाय भी नजर आ रही है वहाँ पे एक, तो हम हल्का सा गाड़ी को लेफ्ट में दबाएंगे, गियर स्कूटी वाला है बिल्कुल परफेक्ट। दोस्तों अभी हम सूरज पुल वाले एरिया में हैं, अब आगे से गाड़ी क्रॉसिंग कर रही है तो हम हल्के से स्पीड कम कर देंगे एक बार। दोस्तों आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें, आप गाड़ी को आसानी से चलाना सीख जाएंगे। गाड़ी चलाते वक्त आपको कोई डर नहीं होना चाहिए, आप डर के गाड़ी चलाएंगे तो बहुत गलती करेंगे। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर गाड़ी चलाइए तो सारे सिस्टम आपको ध्यान रहेंगे। आगे से हमको लेफ्ट टर्न लेना है, आगे हल्का ट्रैफिक भी है तो हल्का हल्का ब्रेक करेंगे, अब क्लच दबाएंगे सेकेंड गियर लेंगे। हमने लेफ्ट इंडिकेशन दे दिया है, सेकेंड गियर ले लिया है हमने। अब लेफ्ट हम उतरते समय लेफ्ट वाले मिरर में जरूर देखना है, आगे कार आ रही है तो हम हल्का से एक बार ब्रेक करेंगे, अब क्लच को हम धीरे धीरे रिलीज करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट टर्न हुआ है, तो जहाँ भी इसी संकड़ी गलियाँ हों टर्न करने के समय तो आप हॉर्न का इस्तेमाल भी करें, क्लच दबा के हमें सेकेंड गियर ले लें, हल्का हल्का ब्रेक साथ में रखें। अब यहाँ से हमको लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट इंडिकेशन देंगे, हल्का हल्का ब्रेक करेंगे, क्लच दबाएंगे, थर्ड गियर लेंगे। हल्का
हल्का सा ब्रेक, देख सकते हैं दोनों ऑटो के बीच में से गाड़ी एकदम परफेक्ट निकल चुकी है। यहाँ हल्का सा ट्रैफिक है तो पीछे वाला मिरर, साइड मिरर में हमेशा ध्यान रखना है पीछे। हल्का सा ब्रेक कीजिए और क्लच दबाइए, थर्ड गियर लीजिए ऊपर, आगे से वापस थोड़ा सा ट्रैफिक है, क्रॉसिंग भी है, सर्कल है, तो यहाँ हल्का ब्रेक, क्लच, सेकंड गियर। ओके फ्रेंड्स, तो इधर से भी ट्रैफिक आएगा उसको भी नोटिस करना है, और इधर सामने से भी गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है, हमारे लेफ्ट में से गाड़ी निकल रही है, तो हल्का क्लच दबाइए, हल्का हल्का ब्रेक कीजिए। ओके अब चलने दिए, आगे क्रॉसिंग में, अब लेफ्ट इंडिकेटर दीजिए, यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेना है, मोड़ते समय क्लच भी दबाएंगे और ब्रेक भी करेंगे। ऑटो को साइड में से निकाल लीजिए, इधर बिल्कुल परफेक्ट है। अब डिवाइडर के पास से गाड़ी टर्न हो रही, तो आगे डिवाइडर के यहाँ कितना मार्जिन है वो हमेशा ध्यान रखना है। अभी हम उदयापोल बस स्टैंड वाले एरिया में हैं, अब आगे जंप आ रहा है, हमारी गाड़ी ऑलरेडी सेकंड गियर में ही है यहाँ, लेकिन क्लच भी दबाएंगे और ब्रेक भी करेंगे। गाड़ी तुम स्लो स्लो निकल गई, अब हम क्लच छोड़ना चालू कर देंगे। देख सकते हैं आप सभी, परफेक्ट ड्राइविंग है ये। दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन हो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जो कन्फ्यूजन होगा तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे और नए नए वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए अपडेट जो भी हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो अभी थोड़ा सा मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग में थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, अभी आगे से हमको राइट टर्न लेना है, हल्का हल्का सा ब्रेक, अब क्लच दबा के सेकंड गियर, सेकंड गियर ले लिया अभी हमने, सामने से भी गाड़ी आ रही है, हल्का सा क्लच दबाइए, ब्रेक कीजिए हल्का, पर अब गाड़ी को, गाड़ी रोक दिया हमने तो गाड़ी को फर्स्ट गियर में ले लीजिए, क्लच दबाइए एक बार। चलिए अब क्लच को बिल्कुल धीरे धीरे रिलीज करेंगे, सामने गाड़ी आ रही है, एक बार हल्का सा ब्रेक वापस, एक बार घुमाइए स्टीयरिंग, हल्का हल्का सा और घुमाइए, सामने से गाड़ी आ रही है, एक बार हल्का सा ब्रेक, ओके। तो जहाँ भी गाड़ी हमने रोक दी है पूरी तरह से, तो वहाँ हम फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाएंगे ताकि उठाने में कोई दिक्कत ना आए। गाड़ी को सेकंड गियर में भी उठा सकते हैं हम, लेकिन हल्की रेस भी संभालनी पड़ेगी आपको, फर्स्ट गियर में आप बिना एक्सीलेटर दिए आप गाड़ी को चला सकते हैं। देखिए अब छोटा सा खड्डा है बीच में साइड में से, बिल्कुल आगे थोड़ा जंप है तो हमने क्लच दबाया, हल्का ब्रेक किया, गाड़ी ऑलरेडी सेकंड गियर में ही है, दोस्तों आप अगर बिगनर हैं, न्यू लर्नर हैं,
तो आप एकदम से गाड़ी को ट्रैफिक में ना चलाएं, पहले आप गाड़ी को खाली जगह ले जाएं, वहाँ ट्राई करें। गियर शिफ्टिंग का भी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, स्टीयरिंग का भी बताया हुआ है, तो आप हमारे सारे वीडियो देखें जिससे आप गाड़ी को आसानी से चलाना सीख सकते हैं। और क्रॉसिंग है हल्का सा ब्रेक, आप एक क्लच दबाइए, हल्का ब्रेक कीजिए, बस अब धीरे धीरे क्लच छोड़िए, आगे ऑफिस बेजर बना हुआ है तो हम क्लच भी दबाएंगे, हल्का ब्रेक भी करेंगे, बस आप धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। परफेक्ट ड्राइविंग है, आगे से हमको लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट इंडिकेशन देंगे, लेफ्ट इंडिकेट दे दिया हमने, हल्का क्लच भी दबाएंगे, हल्का सा ब्रेक भी करेंगे, सामने से गाड़ी आ रही, स्टीयरिंग और घुमाइए, स्टीयरिंग हम सीधा कर लेंगे, दबा के थर्ड गियर ले लिए अभी हमने, हल्के से स्पीड और बढ़ाएंगे, अब क्लच दबा के फोर्थ गियर लेंगे। तो दोस्तों जब भी गियर चेंज करना है तो क्लच दबाना है, बिना क्लच दबाए कभी भी गियर चेंज नहीं करना है आपको। हल्का सा राइट से निकालिए, आगे से हमको रोड क्रॉस करके राइट लेना है तो इंडिकेशन राइट के लिए दे दिया हमने, हल्का हल्का ब्रेक करेंगे और क्लच दबाएंगे, सेकंड गेट इधर ट्रैफिक क्लियर है तभी हम हल्का हल्का सा क्लच छोड़ना चालू करेंगे। दोस्तों जब भी राइट टर्न ले रहे हैं तो गाड़ी इस डिवाइडर के पास से ही टर्न होना चाहिए कि हम रोड के राइट साइड में ही रहें, जो ताकि पीछे जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो आपके लेफ्ट में होके निकल सके। आगे से हमको लेफ्ट टर्न लेना है, अब हल्का हल्का सा क्लच छोड़ेंगे, आगे से हमको वापस लेफ्ट टर्न लेना है, सामने गाड़ी आ रही है, एक बार हल्का क्लच दबाइए, हल्का ब्रेक कीजिए एक बार, अब वापस हल्का हल्का सा क्लच छोड़िए, ऐसे लेफ्ट टर्न लेना है, घुमाइए गाड़ी को, अब हल्का हल्का सा क्लच छोड़िए, स्टीयरिंग और घुमाइए, गाड़ी हमारा मुड़ के वापस सीधा हो चुका है। परफेक्ट, कम जगह में गाड़ी आसानी से निकल गया है, क्लच दबा के ब्रेक करके हमने गाड़ी रोक दी।